महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी एवं श्रुति संवाद साहित्य कला अकादमी द्वारा हिंदी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम हिंदी है हम राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का भव्य आयोजन वासी के विष्णुदास भावे में किया गया। इस कार्यक्रम में प्रमुख उपस्थिति हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल मौजूद रहे। इस मौके पर एरोली विधानसभा के विधायक गणेश नाइक, बीरापुर विधानसभा की विधायक मंदा मात्रे, पूर्व सांसद संजीव नाइक, नवी मुंबई उत्तर भारतीय मोर्चा के अध्यक्ष राजेश राय व अन्य मान्यवर शामिल रहे। मंच पर उपस्थित लोगों ने राज्यपाल का भव्य स्वागत किया और कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। हिंदी का जो यह सम्मान हुआ है उससे अपने को स्वयं को सम्मानित महसूस करते हुए नवी मुंबई वासियों को बधाई देता हूँ, यहाँ के लोगों को नहीं, क्योंकि यहाँ जो है मिनी भारत है, मिनी इंडिया कहते हैं, भारत का एक मतलब लघु भारत है। तो इस लघु भारत में रहने वाले सभी लोगों को मेरी शुभकामना है कि वह अपनी मातृभाषा के साथ साथ हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए कार्य करें। आज हमें सभी हिंदी वासियों के लिए बहुत गर्व की बात है। ये कार्यक्रम नई मुंबई में आदरणीय श्री अरविंद शर्मा राही जी ने, ये उनके नेतृत्व में एक तरह से कहा जाए कि कार्यक्रम तो सरकार का है लेकिन पूरी जिम्मेदारी अरविंद शर्मा राय जी के कंधे पर थी और इसमें पूरे सभी लोगों का सहयोग मिला। सिर्फ हिंदी भाषियों के नहीं, अपने सभी भाषा के लोगों ने हिंदी दिवस मनाने के लिए पूरे जोर शोर से अपना सहयोग दिया। मैं आदरणीय राज्यपाल जी और यहाँ के विधायक श्री गणेश नाइक जी, श्री मंदा ताई मात्रे ने देखिए आप पूरा कितना समय तक वो यहाँ पर बैठे रहे, जबकि सभी हिंदी भाषियों में एक उत्साह पैदा हुआ। जो छात्र थे उनका सम्मान किया गया, जो अलग अलग क्षेत्रों में समाज सेवा कर रहे हैं उनका सम्मान किया गया, इससे सभी का मनोबल बढ़ा है। आप पत्रकार भाइयों बहनों का भी बहुत सहयोग मिला, इसीलिए मैं सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। ये अपार हर्ष हो रहा है कि हमारे इस नई मुंबई में पहली बार हिंदी दिवस मनाया जा रहा है और हम सब लोगों ने प्रयास किया और हमारे हिंदी भाषी इतने सशक्त हैं कि खाली हम लोग ये बोले थे कि हिंदी भाषी का कार्यक्रम है, इसलिए बसों के बस भर के आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाए और इससे हमारे राज्यपाल भी जी भी प्रभावित हुए और हमारे गणमान्य अतिथि जो नाइक साहब हुए, मंदाताई मात्रे हुए, उन्होंने भी इस हिंदी दिवस पे हिंदी को सराहा और ऐसे ही हम लोग आगे भी हिंदी दिवस पे ऐसे कार्यक्रम करते रहेंगे। यही मैं हमारे आए हुए सभी अतिथि को और सबको एक बार हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। वीडियो जर्नलिस्ट समीर खान साथ पंकज बिनवंशी की रिपोर्ट, आवाज़ टुडे, नवी मुंबई।